नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। ये हमारी रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें हम आपको देसी स्टाइल की कढ़ी बनाना बताएंगे और ये कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसका टेस्ट आप रोटी, चपाती या फिर चावल के साथ में ले सकते हैं। इसी साथ हम आपको कुछ ट्रिक एंड टिप्स भी देंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम कढ़ी की रेसिपी आपको बता देते हैं। कढ़ी बनाने के लिए हमें भीगे हुए उड़द की दाल और भीगे हुए चने की दाल लेनी है। ये कढ़ी हम चने दाल और उड़द की दाल से तैयार करेंगे। 4 से 5 घंटे आपको दाल को भिगो देना है। उसके बाद छान कर आप इसे मिक्सी में ग्राइंड करके अच्छा सा पेस्ट बना लें। ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा गीला पेस्ट आपको नहीं रखना है। पहला टिप यही है कि जब भी आप दाल का पेस्ट बहुत ज्यादा गीला कर लेंगे, जब उन्हें आप फ्राई करेंगे पकौड़ों के लिए, तो उसमें बहुत ज्यादा ऑयल ले लेता है, यानी कि ऑयल की मात्रा आपकी ज्यादा लगेगी। और यदि आप उसे ड्राई रखेंगे, सूखा पेस्ट आपका रहेगा, तो ऑयल आपका कम लगेगा। तो इस तरह से ध्यान देते हुए आप अपने पेस्ट को रेडी रख लें। मैं हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो पहले हम डालेंगे हींग, हल्दी, नमक, जीरा और गरम मसाला। आप चाहे तो धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। इस तरीके से सभी मसालों को मिक्स कर लें। अब हमने यहाँ पे एक पैन लगाया है, उसमें सरसों का तेल डाला है। तो हम सभी चीजें ज्यादातर सरसों के तेल में ही बनाते हैं। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं। जब तेल आपका गर्म हो जाए तो इनमें इन पकौड़ों को आप अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। तो पकौड़ों का आकार कोई भी तरह से आप रख सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये लंबे आकार में पकौड़े बनाए हैं, फटाफट से आपको इस तरह से सारे पकौड़े आपको बना लेने हैं। जब आपके पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो जाए, आप इन्हें निकाल कर एक प्लेट पे रख लें। जब आपके पकौड़े रेडी हो जाए, आप देख सकते हैं, और थोड़ी सी दाल आपको बचा लेनी है। ये जो मिश्रण है जिससे आपने पकौड़े बनाए हैं, थोड़ा सा आपको बचा लेना, क्योंकि इन्हीं से हम कढ़ी तैयार करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये करीब 5 से 6 बड़े चम्मच करीब है, इन्हें हमने बचा लिए हैं। दोस्तों, अब हम कढ़ी में क्या मसाले यूज करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो घर का ही बना जो होता है वही मसाले हम यूज करते हैं, उन्हीं से उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसके लिए हमें चाहिए, या आप देख सकते हैं प्लेट में हमने सभी चीजें अलग से रखी हैं। तो 1/2 टीस्पून इसमें जीरा है, और हमने यहाँ पे लिया है 5 से 6 काली मिर्च के दाने, 4-5 हमने लौंग ली है, और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, और साथ में हम डालेंगे हल्दी पाउडर, और इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, और लहसुन की कलियां हैं, हरी मिर्च है। तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीजों को लेकर आपको एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तड़का लगा लेते हैं। दोस्तों, तड़का लगाने के लिए इसी पैन में हमने 3 से 4 चम्मच तेल छोड़ दिया है और बाकी तेल अलग निकाल के रख लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मेथी दाना और 1 पिंच हींग। मेथी दाना से कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हींग भी बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए आपको इन दोनों चीजों को जरूर इस्तेमाल करना है। जैसे ही मेथी दाना और हींग हो जाता है, आपको ये मसाले इसमें ऐड कर देने हैं कुछ इस तरह से, और आंच को धीमा रखते हुए ही हम अपने मसालों को भून लेंगे। देखिए, हमारे मसाले पक चुके हैं, बिल्कुल तेल अलग हो चुका है। अब इसके अंदर हम जो बचे हुए मिश्रण था जिससे हमने पकौड़े तैयार करे थे, दाल का पेस्ट, उन्हें हम डाल देते हैं इस तरीके से, और अब आंच को बिल्कुल धीमा रखते हुए इन्हें हम भूनते हैं। इस तरीके से आपको लगातार चलाते हुए इन पेस्ट को भून लेना है। आप देख सकते हैं, ये जो पेस्ट था बिल्कुल भुन चुका है। दोस्तों, इसे भूनने में हमें करीब 7 से 8 मिनट लग गए थे। काफी टाइम लग जाता है इसे भूनने में। यदि आप इन्हें कम भूनेंगे तो आपके कढ़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए आपको इन्हें लगातार ब्राउन होने तक, देखिए आपका बिल्कुल अलग हो चुका है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भून लेना है। अंदर हमने 2 बड़े चम्मच दही ऐड किया है। तो दही थोड़ी सी खट्टी है, इसलिए हम उसकी मात्रा कम रख रहे हैं। यदि आपके दही तुरंत की जमी है तो आप थोड़ा सा ज्यादा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले दही को इस तरह इसमें डाल के उसे भी भून लें, और अब हम इसमें मिलाएंगे पानी। तो ध्यान रखें कि जब भी हम किसी इस तरह की चीजों में पानी मिलाते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा करके मिलाना चाहिए। एक बार के आपको एक साथ पानी नहीं डालना है।
थोड़ा थोड़ा करके चलाते हुए इस तरह से आप मिक्स करेंगे तो बराबर ये बहुत ही स्मूथ रहता है, वरना आपके इसमें गुठलियां आ जाती हैं और बाद में वो अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो इस तरीके से आपको चलाते हुए मिलाते हुए आपको पानी ऐड करना है। दोस्तों इसके साथ एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि यदि आप इस पे गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो ये लम्स बनने का चांस है, गुठलियां बनने का होता है, वह नहीं रहेगा और आपकी कढ़ी जल्दी रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इन बातों का ध्यान रखते हुए आप इस पे इस तरह से पानी मिलाएं और अब हम इसे उबाल आने के लिए छोड़ देते हैं। तो तेज आंच में रखेंगे तो जल्दी उबाल आएगा। देखिए कढ़ी में उबाल आ चुका है, अब इन्हें हम इस तरह से मिक्स करते हुए अपने पकौड़ों को डाल देंगे। तो दोस्तों जो हमने पकौड़े बड़े बड़े बनाए थे आपने देखा था लंबे आकार में, इन्हें बीच से आपको कट कर देना है, थोड़ा सा टुकड़े में, छोटे टुकड़े में हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से कट करके अब इन पकौड़ों को इसमें आप डाल दें। ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपको बहुत पतली दिख रही होगी, लेकिन अभी जब ये रेडी हो जाएगी तो काफी थिक हो जाएगी। अब हमें ढक के इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। तो लीजिए दोस्तों कढ़ी आपकी रेडी है, बहुत ही स्वादिष्ट देसी स्टाइल की कढ़ी है। जिनको बेसन की कढ़ी नहीं पसंद आती है उनके लिए आप ये कढ़ी रेडी कर सकते हैं, या फिर आपके घर में जब भी सब्जियां ना हो तो भी ये कढ़ी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने प्लेट लगा लिया है। आज का हमारा पहला टिप है कि जब भी हम मसाले पीसते हैं मिक्सर में तो मसालों के साथ में, जैसे आपने लहसुन प्याज या फिर जो भी पीसा है उनके साथ में आपको हल्दी नहीं मिक्स करनी चाहिए। ऐसा यदि आप लगातार करते रहते हैं तो जो ये ग्राइंडर का ये ढक्कन होता है जल्दी येलो हो जाता है और फिर बाद में ये गंदे लगते हैं और फिर इन्हें साफ करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो यदि हम हल्दी का इस्तेमाल सब्जियों में करेंगे डायरेक्ट तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों हमारा दूसरा टिप है कि जब भी हम मसालों को इस तरह से पकाएं तो उन्हें ढक के पकाएंगे तो पहले तो हमारे जो मसालों का अरोमा होगा इन्हीं में रहता है, बाहर नहीं निकलता, और दूसरा इनमें से जो स्टीम द्वारा हमारे तेल और हमारे वो चीजें फैल के हमारे किचन को गंदा बनाती हैं, हमारा किचन उतना गंदा नहीं होगा और मसाले जल्दी पकेंगे, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगली टिप है इस तरह से हमारे घर में जो पुराने काफी दिनों से यूज करते करते कप में निशान आ जाते हैं, अब इन निशान को आप नॉर्मली इस तरह से डिशवॉश से साफ करते हैं तो उतने अच्छी तरीके से नहीं होते हैं। इनको साफ करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, ये हमारे पास पीताम्बरी है जिससे हम भगवान के बर्तन साफ करते हैं। यदि आप इनमें इस तरह से हल्का सा हाथों को गीला करके इनमें आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि मिनटों के अंदर आपके कप जो भी हैं, आप चाहे ये हैंडल के पास पे लगे हो या फिर नीचे तले में चिपका गंदगी हो, बहुत आसानी से साफ हो जाता है। तो एक बार ये ट्रिक जरूर ट्राई करें। हमारी अगली ट्रिप है दोस्तों जब भी हमारे पास इस तरह से पतले मुंह के ग्लास हो या फिर आप कोई भी ऐसी चीज साफ करते हैं जिसमें आपका हाथ अच्छी तरीके से नहीं जाता है, उसके लिए आपको इस तरह से जो आपका स्क्रबर है उसे लें और ये हमारा जो फोक होता है या फिर आप स्पून ले सकते हैं या फिर कोई भी इस तरह से हैंडल वाली चीजें लें और उसमें इस स्क्रबर को फंसा के और अच्छी तरीके से आप अंदर तक घुसाकर उसे अच्छे से साफ कर सकते हैं, ऐसे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है महिलाओं को कि रसोई में जब भी चीजें हमारी खत्म हो जाती है और हमें जब लिस्ट तैयार करनी होती है तो हमें याद नहीं आता कि हमारी रसोई में क्या खत्म है और क्या नहीं, हम भूल जाते हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप अपनी रसोई में या तो एक पेपर पेन रखें या फिर आप इस तरह से एक बोर्ड लगा लें और उसमें जब भी आपको याद आए कि हमें ये काम करना है, जैसे अभी किसी को बादाम भिगाने होते हैं या फिर आपको कोई चीजें मार्केट से लानी है वो चीजें खत्म हो गई, तो उसमें आप एक लिस्ट रेडी रखें और जब आप मार्केट निकलें तो उस लिस्ट की फोटो खींच लें, या फिर आप अपने फोन में भी ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका काम आसान हो जाएगा और आप जो चीजें भूलते रहते हैं वो आपको हमेशा याद रहेंगी। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नई वीडियोस के लिए। थैंक यू।